गाइस गुड मॉर्निंग। मैंने भी सुबह सुबह सोचा 10-12 किलोमीटर थोड़ा साइकिलिंग करके पैरों वेरों को थोड़ा ठीक कर लूँ, मस्त कर लूँ। सर्दी शुरू हो चुकी है और वैसे तो सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले ही हर आदमी को उठ जाना चाहिए, लेकिन स्पेशली सर्दी में जल्दी उठ के थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह, और एक्सरसाइज करने पे अदरक वाली चाय पियो। उसके बाद एक्सरसाइज करने पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको भूख लगेगी, और सर्दियों में आप पौष्टिक चीज़ें खा सकते हैं, अच्छे खासे चीज़ें, तो सर्दी में पाचन तंत्र भी अच्छा खासा रहता है, तो आप पचा सकते हैं। और सर्दी में जो आप बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी को जो शेप में लाते हैं, जो वो साल भर काम देता है। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज़ द माइक्रोकॉन्ड्रिया सेशन। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना कोशिका में, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, तो ये पावर हाउस ही है सर्दी का जो सेशन है, सीजन है। तो प्लीज़ मॉर्निंग में जल्दी उठें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सर्दी के मौसम में जल्दी उठा जाए। और अब समस्या ये होती है कि आजकल अधिकतर सोए हुए हैं, नहीं हूँ तो हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल यूनिट है, यूनिक है, यूनिट मतलब एक व्यक्तिगत है, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। आप सेल्फली जल्दी उठ लें, चाय वाय पिएं, एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, और कितनी प्यारी नेचर, वाओ। सो प्लीज़ स्टे विद द लाइफ, लेट्स कम ऑन।